हमने बताया था पिछले दिन कि जब कभी, अच्छा ये गैल्वेनिक सेल कौन सा सेल है जिसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है या जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है? गैल्वेनिक जनरेट होता जनरेट होता है। ओके, हमने क्या किया, एक वेसल लिया जिसमें एक मेटल का प्लेट डिप कर दिया। जिस मेटल का प्लेट है उसी मेटल का सॉल्यूशन है ये, जिस मेटल का प्लेट है उसी मेटल का सॉल्यूशन। ऐसा करने से क्या होता है, इस पे निगेटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है, ऐसा हमने बताया था। ऐसे ही अगर दूसरे वेसल में सेम मेटल का प्लेट ले लो, सेम मेटल का प्लेट और सेम मेटल आयन का सॉल्यूशन ले लो, ये रुक जाओ सेम नहीं लेते हैं, सेम का कहानी बाद में, अभी अलग करते हैं। ये एम मेटल है और यहां पे है एन मेटल, मेटल का नाम एन है और ये एन मेटल का एन का सॉल्यूशन है और ये एम का सॉल्यूशन। यहां पे भी निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। अब किसी पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसी पे कम होगा, इस दोनों को अगर जोड़ दोगे, इस दोनों को अगर जोड़ दोगे तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा या नहीं फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा, यस सर। ऐसा हमने पिछले दिन बोला था। अगर ये बीच में बल्ब लगा दिए तो बल्ब जलेगा, ऐसा लगता है। अब देखो इसको बोलते हैं, इसको हाफ सेल, इसको हाफ सेल, और इस पूरे सेटअप को बोलते हैं सेल, गैल्वेनिक सेल। हालांकि इसमें कमी है, क्या कमी है गौर करना, इसको हटाते हैं। अब कोई रियल एक मेटल लेते हैं और उसको उसी के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, हम कॉपर प्लस टू का सॉल्यूशन लेते हैं, कॉपर प्लस टू का सॉल्यूशन। ऑफ कोर्स कॉपर सल्फेट ले लो या कॉपर नाइट्रेट ले लो, लेकिन इसका कुछ कंसंट्रेशन रखते हैं, इसका कंसंट्रेशन 1N है। कॉपर प्लस टू सॉल्यूशन इक्वल्स, जिसमें जिसका कंसंट्रेशन 1M है, मतलब 1 मोल पर लीटर है। ये हो गया कॉपर प्लस टू का सॉल्यूशन। इसमें कॉपर के प्लेट को हम कर दिए हैं डीप, ये प्लेट कॉपर का है, मेटल का प्लेट और उसी के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं जो चीज बना है, इसी को हाफ सेल बोलते हैं। मतलब है जो होल, ये हाफ सेल है, ये इलेक्ट्रोड है। अब इलेक्ट्रोड में ये एनोड है या कैथोड है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि यहाँ ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन, बट ये जो हमने बनाया है ये हाफ सेल है, कॉपर का प्लेट हमने लिया है। अब ध्यान दो, ऐसे ही हम क्या करते हैं, दूसरा हाफ सेल बना लेते हैं। यहां जो सॉल्यूशन हमने लिया है ये सिल्वर का सॉल्यूशन लिया, Ag प्लस एक्वस। अब Ag प्लस एक्वस कैसे आएगा, कोई भी सिल्वर का सॉल्ट जो वाटर सोलेबल होता है, कुछ ना समझ में आए तो नाइट्रेट ले लेना, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट वाटर सोलेबल होता है, कोई भी नाइट्रेट वाटर सोलेबल होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट ले लो जिसका कंसंट्रेशन 1M हो, 1M कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन ले लिया। तुम किसी भी कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन ले सकते हो, हमने एग्जांपल के तौर पे 1M कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन लिया, और ये सिल्वर प्लस का सॉल्यूशन है तो इस पे हम सिल्वर का ही एक प्लेट डाल देते हैं, ये सिल्वर का प्लेट। अब तुमको क्या करना है, जैसा कि हमने बताया इस दोनों पे, इस पे भी इलेक्ट्रॉन्स जन, इस पे भी इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो गया होगा और इस पे भी इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो गया होगा, अगर दोनों को जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा किधर से किधर, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा
दोनों चुके, दोनों पे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो गया है, तो जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा उधर से, जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा उधर के तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। एक चीज बताओ जरा, अगर हम बोलते हैं कि इस दोनों को कनेक्ट कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो रहा है बाय द वे, अगर ऐसा है तो एक तरह से ये तो करंट का फ्लो ही है। करंट का फ्लो पक्का इधर की ओर रहा होगा क्योंकि करंट के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, मतलब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इसका मतलब कौन हाई पोटेंशियल पे होगा और कौन लो पोटेंशियल पे होगा, बताओ कौन हाई पोटेंशियल पे होगा और कौन लो पोटेंशियल पे होगा। कौन सा प्लेट हाई पोटेंशियल पे होगा? एजी हाई पोटेंशियल पे होगा और कॉपर लो पोटेंशियल पे होगा, तभी तो करंट का फ्लो हो रहा है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही तो करंट का फ्लो होता है। बट हम बता रहे हैं पोटेंशियल को थोड़ा देर के लिए इग्नोर कर देते हैं और हम बोल रहे हैं कि कॉपर के प्लेट पे और सिल्वर के प्लेट पे जब दोनों हाफ सेल हम फॉर्म किए तो दोनों ही प्लेट पे क्या आ गया है, चार्ज आ गया है, निगेटिव चार्ज यहाँ पे यहाँ पे। अब दोनों पे इलेक्ट्रॉन्स है और ये इलेक्ट्रॉन्स अमाउंट में दोनों जगह बराबर नहीं है, जब इसको वायर से कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा हाई चार्ज डेंसिटी से लो चार्ज डेंसिटी की तरफ। इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर इधर से इधर होता है, एक मिनट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर इधर से इधर होता है मतलब करंट का फ्लो इधर से इधर हो रहा है, और करंट तुम फिजिक्स में जानते हो कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, मतलब ये लो पोटेंशियल पे है और ये हाई पोटेंशियल पे है। अगर ये लो पोटेंशियल पे है और ये हाई पोटेंशियल पे है, इस दोनों के बीच में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे तो वोल्ट मीटर इस दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा, है ना। जरा गौर करते हैं, हम कर क्या रहे हैं, हम इस दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, इस दोनों को कनेक्ट करते हैं। और यहां पे एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। वोल्ट मीटर क्या करता है, दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। जब वोल्ट मीटर लगाओगे तो ये रीडिंग देगा 0.46 वोल्ट, वोल्ट मीटर में आएगा। वोल्ट मीटर इस तरह का कुछ डिवाइस होता है जिसमें इस तरह का कांटा बना होता है, है ना, और यहाँ पे रीडिंग लिखा रहेगा 1, 2, 3, 4 इस तरह से। ये कांटा इधर गया इस तरह से, ये बताने का जरूरत नहीं है, फिजिक्स में तुम लोग ये सब देखे होंगे। तो वोल्ट मीटर 0.46 वोल्ट दिखाएगा, कब, तब दिखाएगा जब इस यहाँ पे 1 m कंसंट्रेशन कॉपर का लेंगे और यहाँ सिल्वर का 1 m कंसंट्रेशन लेंगे और इसमें सिल्वर का प्लेट, इसमें कॉपर का प्लेट डिप करेंगे तब। अगर यहाँ का कंसंट्रेशन 1 m से अलग रहेगा, यहाँ का कंसंट्रेशन 1 m से अलग रहेगा, तो वैसे किसमें 0.46 वोल्ट से अलग पोटेंशियल डिफरेंस इस दोनों प्लेट के बीच का शो करेगा। जहां तक मेरे को फिजिक्स वाला पॉइंट्स याद है कि पोटेंशियोमीटर जब लगाते हैं, ये वोल्ट मीटर जब लगाते हैं तो वोल्ट मीटर से करंट फ्लो नहीं होता है आइडियल वोल्ट मीटर से। तो चलो यहाँ तो करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, ये केवल इस दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बल्ब लगा देते हैं, ये वोल्ट मीटर को हटाते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं एक बल्ब। ध्यान देना, अगर यहाँ पे एक बल्ब लगा दो तो होगा क्या, बल्ब जलेगा और तुरंत से बुझ जाएगा, मतलब लंबे टाइम तक जलते हुए ये नहीं रहेगा, मतलब ऐसे समझो जैसे ब्लिंक किया और खत्म, ऐसा हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, समझना ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज था, अच्छा एक और चीज, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर की ओर हो रहा है,
अच्छा इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर की ओर हो, कुछ देर के लिए मान लो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो डायरेक्शन हम दिखाया है ना उस डायरेक्शन में हो रहा है, इसका मतलब इस प्लेट पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा था कॉपर पे, कॉपर के प्लेट पे, और सिल्वर के प्लेट पे चार्ज डेंसिटी कम था। दोनों जगह इलेक्ट्रॉन ही था लेकिन इलेक्ट्रॉन सिल्वर के प्लेट पे कम था, तो उस हिसाब से किस प्लेट को हम पॉजिटिव प्लेट बोलेंगे और किस प्लेट को हम निगेटिव प्लेट बोलेंगे, बताओ किस प्लेट को निगेटिव प्लेट और किस प्लेट को पॉजिटिव प्लेट बोले? सर एजी को पॉजिटिव, एजी को पॉजिटिव क्योंकि एजी के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम था, तो कॉपर का प्लेट, कॉपर का प्लेट कहलाएगा निगेटिव प्लेट, निगेटिव प्लेट, और सिल्वर का प्लेट कहलाएगा पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, अब जरा गौर करो क्यों बल्ब ब्लिंक करके बुझ जाएगा, समझना होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, थोड़ा टफ है समझना और समझाना, समझो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और इधर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल कहां से रहा है, तो ये जो कॉपर का प्लेट है, कॉपर का प्लेट का कॉपर प्लस टू, या रुक जाओ एक मिनट, ये जो कॉपर प्लस टू का सॉल्यूशन लिए हैं इसमें क्या कॉपर प्लस टू है केवल, तो उसके साथ कोई एनायन भी है? कॉपर प्लस टू का सॉल्यूशन तुम नहीं बना सकते, तुम कॉपर नाइट्रेट लिए होगे, कॉपर सल्फेट लिए होगे, ऐसा कुछ लिए होगे, बाय द वे कॉपर नाइट्रेट लिए होगे तो कॉपर प्लस टू और टू एनओ थ्री माइनस ये रहा होगा, जितना चार्ज कॉपर पे उतना ही चार्ज नाइट्रेट पे न्यूट्रल रहा होगा, ये सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन न्यूट्रल रहा होगा। वैसे ही इधर सिल्वर नाइट्रेट लिए होंगे तो ये सॉल्यूशन भी ओवरऑल न्यूट्रल रहा होगा, जब ये प्लेट नहीं डाले होंगे तब, जब ये प्लेट नहीं डाले होंगे तो ये सॉल्यूशन न्यूट्रल, ये सॉल्यूशन न्यूट्रल। इसके बाद इसका कॉपर, कॉपर कॉपर प्लस टू बन के सॉल्यूशन में आया और इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, तो हो क्या रहा है, इसमें कॉपर प्लस टू ज्यादा हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है मतलब इसमें कॉपर प्लस टू आ रहा है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है कि नहीं सॉल्यूशन? सॉल्यूशन कॉपर प्लस टू, कॉपर प्लस टू के आने के वजह से, कॉपर प्लस टू पहले भी था लेकिन जितना कॉपर प्लस टू पे चार्ज था उतना ही नाइट्रेट पे चार्ज था, लेकिन जब इस प्लेट का, इस प्लेट का कॉपर प्लस टू बन के कॉपर सॉल्यूशन में आया तो सॉल्यूशन में पॉजिटिवली चार्ज बढ़ गया, सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब तुम खुद सोचो जब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, ढेर सारा कॉपर प्लस टू, कॉपर प्लस टू, कॉपर प्लस टू आ गया, तो वैसे केस में यहां से और कॉपर प्लस टू आना चाहेगा कि जो इनकमिंग नया कॉपर, नया कॉपर कॉपर प्लस टू बनकर सॉल्यूशन में आएगा उसको ये सब कॉपर क्या करेगा, रिपेल करेगा, नया वाले कॉपर को आने ही नहीं देगा, कॉपर प्लस टू बन के नीचे नहीं आने देगा, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चार्ज हो गया है, तो थोड़ा सा तो बल्ब जलेगा, उसके बाद इस प्लेट का कॉपर कॉपर प्लस टू बन के सॉल्यूशन में नहीं जाएगा, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन कॉपर से निकल के इधर नहीं आएगा। अगर हम कुछ व्यवस्था कर दें, क्या, अच्छा सेम चीज देख लो इधर सिल्वर वाले प्लेट के बारे में, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन फाइनली यहाँ पे क्या जा रहा है, एजी प्लस, एजी प्लस जो है इस, ये इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है इस इलेक्ट्रॉन को एजी प्लस कंज्यूम कर लेगा और इसके ऊपर डिपोजिट हो जाएगा, तो एजी प्लस तो डिपोजिट हो गया, इसमें था एजी प्लस और साथ में नाइट्रेट आयन था, एजी प्लस साथ में नाइट्रेट आयन था, सारा Ag प्लस क्या हो रहा है, डिपोजिट हो जा रहा है, तो सॉल्यूशन में क्या बच जा रहा है, नाइट्रेट आयन, है ना, जब इस सॉल्यूशन में नाइट्रेट आयन ज्यादा हो जाएगा ये सॉल्यूशन निगेटिवली चार्ज हो गया, अब ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा तो इधर से जो इलेक्ट्रॉन आएगा इस इलेक्ट्रॉन को ये आने ही नहीं देगा, रिपेल करेगा, तो हम किसी भी तरह से इस सॉल्यूशन के चार्ज को खत्म कर दें, इस सॉल्यूशन के चार्ज को खत्म कर दें तो
ये करंट कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहेगा। तो इस चार्ज को खत्म करने के लिए सॉल्ट ब्रिज लाया गया। ये सॉल्ट ब्रिज क्या है ध्यान देना, इसमें कौन सा चार्ज एक्सेस हो रहा था, कौन सा चार्ज एक्सेस हो रहा था बताओ आयुष, कौन सा चार्ज एक्सेस हो रहा था इसमें? सर पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज एक्सेस हो रहा था। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए किस तरह का पार्टिकल हमें लाना चाहिए? एनायन को लाना चाहिए। अगर इधर से थोड़ा थोड़ा एनायन इसको देते रहो तो ये चार्ज न्यूट्रल हुआ रहेगा कि नहीं हुआ रहेगा? यस सर हुआ रहेगा। यहाँ पे निगेटिव चार्ज एक्सेस हो जा रहा है। अगर तुम इधर से कोई केटायन कंटिन्यूअसली इसको सप्लाई करता रहो तो यहां भी चार्ज न्यूट्रल हुआ रहेगा। मतलब इसको कोई एनायन सप्लाई करने वाला मिले और इसको कोई केटायन सप्लाई करने वाला मिले, अगर ऐसा हो जाए तो ये करंट, ये बल्ब कंटिन्यूअसली जल सकता है। ठीक है, अब हम फिगर को फिर से ड्रॉ करते हैं और समझाते हैं। ये जो चार्ज सप्लाई करने वाला काम करेगा कि एनायन सप्लाई करने वाला काम, इधर केटायन सप्लाई करने वाला काम, जो सेटअप करेगा वही है सॉल्ट ब्रिज। क्या है सॉल्ट ब्रिज, क्या करेगा थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। इस डायग्राम को मिटाएंगे फिर से ड्रॉ करेंगे।
देखो अब हमें कैसे पता चलेगा, वोल्ट मीटर तो ये बता देगा कि दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। हमें कैसे पता चलेगा कि करंट का फ्लो किधर से किधर है? कौन सा डिवाइस बताता है करंट के फ्लो के डायरेक्शन को? फिजिक्स में पढ़ा हो, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से पता चलेगा कि करंट का फ्लो किधर से किधर है। गैल्वेनोमीटर से देखोगे तो करंट का फ्लो ऐसे रहेगा, मतलब वोल्टमीटर हटा दो, इस वोल्टमीटर को हटा दो, वोल्टमीटर के जगह पे गैल्वेनोमीटर लगा दो, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, जिससे पता चलेगा कि करंट का फ्लो लेफ्ट टू राइट है। अब देखो लेफ्ट टू राइट है करंट का फ्लो, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में है। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो डायरेक्शन हम दिखाए हैं, इसका मतलब है कि कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस प्लेट पे रिडक्शन हो रहा है। बताओ ऑक्सीडेशन किस प्लेट पे हो रहा है और रिडक्शन किस प्लेट पे हो रहा है? सिंपी बताओ, ऑक्सीडेशन, ये इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जा रहा है, मतलब इस प्लेट पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। और ये इलेक्ट्रॉन इधर 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 इसमें आ जाएगा, ये सिल्वर प्लस उसको कंज्यूम कर लेगा, मतलब इस प्लेट पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो जिस प्लेट पे रिडक्शन होता है, इधर हुआ है रिडक्शन, जिस प्लेट पे रिडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? कैथोड। जिस प्लेट पे रिडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? कैथोड ना, है ना। और जिस प्लेट पे ऑक्सीडेशन होता है, इधर ऑक्सीडेशन हुआ है, जिस प्लेट पे ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? एनोड। तो कॉपर प्लेट यहां एनोड है और सिल्वर प्लेट यहां कैथोड है। अगर पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट की बात करें तो कौन सा प्लेट पॉजिटिव प्लेट है और कौन सा प्लेट निगेटिव प्लेट? एजी निगेटिव प्लेट है। एजी निगेटिव प्लेट है? नो सर, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है सर, एजी निगेटिव है। पॉजिटिव प्लेट है, निगेटिव है सर। प्लेट है और कॉपर प्लेट निगेटिव है। अच्छा एक और चीज बताओ, फिजिक्स के अकॉर्डिंग कौन ज्यादा पोटेंशियल पे होता है, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज? निगेटिव होगा। कौन ज्यादा पोटेंशियल पे होगा, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज? निगेटिव। निगेटिव चार्ज हाई पोटेंशियल पे होता है, पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल पे होता है? तो पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल पे होता है, समझा? देखो अरे ऐसे भी सोचो ना कि एक निगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो निगेटिव से पॉजिटिव के तरफ ना होगा। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है और ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर होगा। करंट का फ्लो उल्टा हो गया, करंट का फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। यस सर, यस। मतलब ये हाई पोटेंशियल पे है। अब जरा गौर करो, देखो कैथोड रिडक्शन कहां होता है और ऑक्सीडेशन कहां होता है, इसको याद करने का एक तरीका हमने बताया था, ए फॉर एनोड, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, ये दोनों भॉवेल है, भॉवेल है। C for cathode, R for reduction, ये दोनों consonant है, consonant है ना। तो anode पे oxidation, cathode पे reduction, ये हमेशा सही है, इसमें कोई exception नहीं है। लेकिन ये जो positive plate और negative plate लिखा है ये बदलता रहता है। दो तरह का cell होता है, galvanic cell और electrolytic cell। galvanic cell में anode पॉजिटिव प्लेट होता है और कैथोड, सॉरी गैल्वेनिक सेल में एनोड निगेटिव प्लेट होता है, कैथोड पॉजिटिव प्लेट होता है, जबकि
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव प्लेट होता है और कैथोड नेगेटिव प्लेट होता है, मतलब इसका उल्टा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। अब इसको कैसे याद रखेंगे सर? याद नहीं रखना है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बगल में बना के दिखाते हैं तुमको हम। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस वाला सेल पिछला दिन बनाया था, दो प्लेट ले लेते हैं, दो प्लेट ले लेते हैं और यहाँ पे पावर सप्लाई। अब देखो होता क्या है, इसके अंदर क्या ले लिया था, इसके अंदर ले लिया था CH3COO- Na+। या छोड़ो नहीं, इतना इतना करने का जरूरत नहीं है, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस हटाओ। यहाँ पे कोई सिंपल ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो वाटर में होता है H+, वाटर में होता है OH-। अब तुम जरा बताओ, ये जो प्लेट लिए हैं हम, ये जो बैटरी है, इसका कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव प्लेट है, बड़ा वाला या छोटा वाला? बड़ा वाला। बड़ा वाला पॉजिटिव प्लेट है, छोटा वाला नेगेटिव प्लेट है। बताओ इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो ऐसे होगा ना, नेगेटिव प्लेट से नहीं इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। तो बताओ अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इसमें किसी को दिक्कत है जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाए हैं? नो सर। नहीं, अगर कोई दिक्कत नहीं तो बताओ राइट साइड या लेफ्ट साइड किस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस पे रिडक्शन हो रहा है? और लेफ्ट वाले पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जा रहा है, तो इधर कोई इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर रहा है। कौन कंज्यूम कर रहा है? कोई और नहीं है, ये जो H+ है ना, इधर जा रहा है इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर रहा है, और ये जो OH- इधर जा रहा है और OH- इलेक्ट्रॉन निकल के ऊपर जा रहा है, तो ये हो रहा है इनफैक्ट। तो अब बताओ रिडक्शन जहां भी हो रहा है, राइट साइड में रिडक्शन हो रहा है, तो जहां रिडक्शन होता है उसको कैथोड बोलते हैं, कैथोड। और जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका उसको एनोड बोलते हैं, एनोड। जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको एनोड बोल रहा है। अच्छा अब तुम जरा बताओ पॉजिटिव प्लेट कौन, नेगेटिव प्लेट कौन? ये देखो पॉजिटिव चार्ज, बैटरी का पॉजिटिव चार्ज जिस टर्मिनल, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिस प्लेट से जुड़ा हुआ है वो कौन सा प्लेट होगा? नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट है। Yes, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल जिस प्लेट से जुड़ा हुआ है वो कौन सा प्लेट है? निगेटिव प्लेट है। ऐसे भी बताओ ये हाई पोटेंशियल पे है कि ये हाई पोटेंशियल पे है? ला ये न बताएगा, ये हाई पोटेंशियल पे है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे है, ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है? हाई पोटेंशियल पे है, इसका मतलब ये पॉजिटिव प्लेट है। तो ये हो गया पॉजिटिव प्लेट और ये हो गया नेगेटिव प्लेट। देखो तो यहां जो कैथोड था पॉजिटिव प्लेट था, यहां जो कैथोड है वो क्या है? नेगेटिव प्लेट है। यहां जो एनोड था वो नेगेटिव प्लेट है, यहां जो एनोड था वो पॉजिटिव प्लेट है। ये हमेशा सही होगा कि जहां ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड और जहां रिडक्शन होगा वो कैथोड, बट एनोड पॉजिटिव प्लेट होगा या कैथोड पॉजिटिव प्लेट होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि सेल गैल्वेनिक है या इलेक्ट्रोलाइटिक है। पॉजिटिव प्लेट का मतलब होता है वो प्लेट जो हाई पोटेंशियल पे है, निगेटिव प्लेट का मतलब होता है वो प्लेट जो लो पोटेंशियल पे है। मतलब हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल के तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के तरफ करंट का फ्लो होता है। तो ज्यादा ही बोल दिया, चलो अब देखो
ओवरऑल अच्छा ये जो सॉल्ट ब्रिज हमने बनाया है, ये सॉल्ट ब्रिज कुछ और नहीं होता है, एक तरह से जेली टाइप का मटेरियल का बना होता है, जेली टाइप का मटेरियल जिसमें सॉल्ट को सॉल्ट डाला रहता है, जेली टाइप के मटेरियल में सॉल्ट मिला के ये क्या है, ये जेली टाइप का मटेरियल है जिसमें सॉल्ट को मिला दिया गया है और इस तरह से कनेक्ट कर दिया गया है, इसी को सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, नाम में ही है सॉल्ट, सॉल्ट ब्रिज। इसका रोल क्या है वो समझाते हैं, हालांकि कुछ हद तक रोल तो तुम देख चुके हो लेकिन फिर भी बताते हैं इसका रोल क्या है। अगर ये सॉल्ट ब्रिज नहीं, अच्छा सॉल्ट ब्रिज करता क्या है, सॉल्ट ब्रिज जिस कंपार्टमेंट में केटायन का जरूरत होगा उसको केटायन देगा, जिस कंपार्टमेंट में एनायन का जरूरत होगा उसको एनायन देगा। जरा गौर करना, टाइम के साथ यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जा रहा था, ये किस चार्ज यहाँ, कौन सा चार्ज यहाँ एक्सेस हो जा रहा था, पॉजिटिव, इसलिए जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ एक्सेस होगा ये पॉजिटिव चार्ज इधर से एनायन को खींच लेगा और एनायन इसमें आने लगेगा, इसमें आ जाएगा, इसमें आके इसको न्यूट्रल बनाए रखेगा, करंट कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहे। सिमिलरली इधर निगेटिवली चार्ज एक्सेस हो जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको न्यूट्रल रखने के लिए ये जो सॉल्ट ब्रिज का केटायन है वो इधर आ जाएगा और इसको, इस कंपार्टमेंट को न्यूट्रल किए रहेगा। तो कंपार्टमेंट को न्यूट्रल किए रखने के लिए ही सॉल्ट ब्रिज का यूज किया जाता है। सॉल्ट ब्रिज में कौन सा सॉल्ट रखेंगे, सॉल्ट ब्रिज में वो सॉल्ट रखेंगे जिसका एनायन और केटायन का साइज में डिफरेंस बहुत ज्यादा का ना हो, ताकि उसका आयनिक मोबिलिटी सेम रहे, मतलब जिस स्पीड से ये इधर जाए ऑलमोस्ट उसी स्पीड से ये भी इधर जाना चाहिए। ऐसा एग्जाम्पल पोटेशियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट है, इसलिए सॉल्ट ब्रिज में जनरली पोटेशियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है, हालांकि इसके अलावा भी सॉल्ट ब्रिज में यूज करने वाला सॉल्ट है। एनसीईआरटी पढ़ोगे हम बार बार बोलते हैं, इसके बाद जरा गौर कर। अब ये बन गया, सेल बन गया, ये एज ए होल कौन सा सेल है, ये एज ए होल गैल्वेनिक सेल है, तुम्हारी मर्जी यहाँ पे लगा दो बल्ब, बल्ब जले। अब तो क्या बल्ब हमेशा के लिए जलता रहेगा, नहीं हमेशा के लिए जलता नहीं रहेगा, बट जलेगा, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 10 घंटा 12 घंटा जलेगा। बट कब बल्ब बुझ जाएगा सर, वो देखते हैं कब बुझेगा। अब देखो एक्चुअली में ये हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कॉपर के प्लेट से सिल्वर के प्लेट के तरफ जो हो रहा है ये जरूर किसी रिएक्शंस के वजह से हो रहा है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है गौर करना, ये कॉपर का प्लेट इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इसका कॉपर नीचे सोल्यूशन में जा रहा है, मतलब कॉपर इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन इधर 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 कौन इस इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर रहा है, Ag+। कॉपर इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है और सिल्वर प्लस रिड्यूस हो रहा है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, उसी इलेक्ट्रॉन को हम वायर के थ्रू ट्रांसफर करने का व्यवस्था कर दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं, यह है गैल्वेनिक सेल। हालांकि जब यहाँ वोल्ट मीटर लगाए रहोगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है आइडियली, तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो ऐसे दिखाएं ये नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ बल्ब लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, वोल्ट मीटर लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। वोल्ट मीटर बेसिकली इस दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा बस। अब देखो ये जो भी डायग्राम है ये गैल्वेनोमीटर है, कुछ और नहीं है, एक रेडॉक्स रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, एक रेडॉक्स रिएक्शन ही है जिसको इस सेटअप में कराया गया है तो गैल्वेनिक सेल बन गया है। अब कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन है उसको देखते हैं। पॉजिटिव प्लेट बोलें या एनोड बोलें, एनोड एनोड एनोड
एनोड, एनोड यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है। एनोड पॉजिटिव प्लेट है, निगेटिव प्लेट है, सॉरी एनोड निगेटिव प्लेट है। ये जो निगेटिव प्लेट है एनोड, एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है बताओ जरा। एनोड पे कॉपर किसमें जा रहा है, कॉपर प्लस टू में, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। कॉपर प्लस टू इक्वल्स कॉपर सॉलिड। ये जो प्लेट है ये कॉपर का प्लेट है जिसका इलेक्ट्रॉन कॉपर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है, जो ऊपर चल जा रहा है, कॉपर खुद इस सॉल्यूशन में चल जा रहा है, ये हो गया। और इस इलेक्ट्रॉन को इधर ये सिल्वर पी ले रहा है, मतलब कंज्यूम कर ले रहा है। Ag प्लस इक्वस ये इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर ले रहा है, दो सिल्वर लिख देते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर लेगा, और इधर 2Ag सॉलिड प्रेसिपिटेट कर जा रहा है यहाँ पे, मतलब ये यहाँ पे सिल्वर डिपोजिट हो जा रहा है। और इस तरह से इस दोनों रिएक्शन को अगर जोड़ोगे, ऊपर एनोड पे हो रहा है ऊपर वाला रिएक्शन, और पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट जिसको कि कैथोड बोलते हैं, कैथोड पे नीचे वाला रिएक्शन हो रहा है, और ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, इस दोनों रिएक्शन को जोड़ दो तो ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगा कॉपर सॉलिड प्लस टू Ag प्लस इक्वस गिव्स आउट कॉपर प्लस टू इक्वस प्लस टू Ag सॉलिड। ये है ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब कोई भी गैल्वेनिक सेल कुछ नया चीज नहीं है, हर एक रेडॉक्स रिएक्शन से एक गैल्वेनिक सेल बन सकता है, हर एक रेडॉक्स रिएक्शन का यूज करके एक गैल्वेनिक सेल बन सकता है। ध्यान देना, ये जो गैल्वेनिक सेल है अगर यहाँ पे बल्ब लगा दें तो ये बल्ब कब तक काम करेगा, कब तक जलेगा, तब तक जलेगा जब तक ये रिएक्शन होता रहेगा। ये रिएक्शन कब तक होगा, जब तक होगा, सॉरी ये रिएक्शन कब तक होगा, ये रिएक्शन तब तक होगा जब तक इस रिएक्शन का डेल्टा जी निगेटिव रहेगा। जैसे ही इस रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, या सॉरी जैसे ही इस रिएक्शन का डेल्टा जी जीरो होगा, या ये बोलो ये रिएक्शन सॉरी इस रिएक्शन का डेल्टा जी जैसे ही जीरो होगा ये रिएक्शन होना बंद हो जाएगा, और इसका मतलब है यहाँ पे बल्ब बुझ जाएगा। फिर से लॉग इन करो, इसको कंटिन्यू करते हैं।